राधा कृष्णा परिवार द्वारा गोवर्धन में स्वास्थ्य शिविर का निःशुल्क आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य उपचार के लिए दूर दूर से रोगियों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। परिक्रमा मार्ग स्थित राधा कृष्णा आरोग्य केंद्र में आयोजित एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर में नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक शर्मा, दांत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज अग्रवाल, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन, एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा एवं यमुना नगर हरियाणा के नामचीन नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य नानक चंद ने मरीजों का परीक्षण कर दवाएं दी। शिविर में नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक ने सर्वाइकल समस्या, जोड़ों एवं घुटने के दर्द से ग्रस्त मरीजों का पैर की, हाथों की, पीठ की नस दवा का उपचार किया तो एक रोगी दम आराम मिलने से संपन्न हो गया। वहीं नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य नानक चंद ने रोगियों को चेहरा पढ़कर एवं नाड़ी पकड़कर विभिन्न बीमारियों को आयुर्वेदिक के द्वारा उपचार दिया गया। आरोग्य केंद्र व्यवस्थापक किशोरी शरण एवं राम शरण व्यास जी ने बताया कि उनके गुरु करुणादास महाराज ने ब्रज में निवास कर रहे साधु संतों एवं ब्रजवासियों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आरोग्य केंद्र की स्थापना की है। शिविर में करीब 450 मरीजों ने अपना उपचार विभिन्न विशेषज्ञों से कराया है। उन्होंने बताया कि आरोग्य केंद्र की आवश्यकता वैधानिक कार्रवाई पूरी होती है, यही पर मरीजों को सिटी स्कैन एवं MRI जैसी बड़ी सुविधाएं एवं जाँच भी मुहैया कराई जा रही है। महाराज जी, राधा कृष्ण परिवार में जो कैंप लग रहा है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। हमारे पूज्य श्री सिद्धवंत भगवान के सानिध्य में लगभग 16 वर्षों से ये संतों की सेवा का जो प्रकल्प चल रहा है, और इसमें तो संतों के लिए निःशुल्क है और गृहस्थों के लिए भी जो है उनके लिए आधे कीमत पर, आधे सेवा पर उनकी सेवा की जाती है। और इसमें जैसे कि डेंटलिस्ट हैं और हमारे वैद्य जी हैं, आयुर्वेदिक पद्धति से सेवा करते हैं, और नेचुरोपैथिक हैं, और नसों के द्वारा सेवा की जाती है, और बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। जो व्यक्ति काफ़ी नहीं चल पा रहे थे कभी, वो चल पा रहे हैं नसों के द्वारा ठीक करवा के। कितने मरीजों का रजिस्ट्रेशन इसमें हो गया होगा? इसमें लगभग आज 450 मरीजों का हो चुका है। कहाँ कहाँ से मरीज आए? भारत के सभी प्रदेशों से आए हैं, महाराष्ट्र से, मुंबई से और उड़ीसा, सबसे आए हैं।